यार, आज फिजिक्स में मचाते है बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और इंटरनेट पे मतलब स्पेशली जो भी तुम्हारी जेई नीट के जो भी डाउट वगैरह सॉल्व करते हैं हर जगह इसका आंसर गलत दिया हुआ है एंड uh, गलती उनकी भी नहीं है बिकॉज एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड क्लासिकल फिजिक्स है ना यू यू नीड टू यूज स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी टू आंसर दिस क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है इसको है ना थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे ना no? ठीक है तो क्वेश्चन क्या है भाई वट इज द स्पीड ऑफ ए फोटोन विद रिस्पेक्ट टू अनादर फोटोन समझो एक फोटोन की स्पीड दूसरे फोटोन मतलब तुम्हें फोटोन के ऊपर बैठ जाना है अगर तुम्हें थोड़ा बहुत पता है जब तुम फोटोन की स्पीड से ट्रेवल करते हो तो टाइम रुक जाता है टाइम और स्पेस एग्जिस्ट नहीं करते ना फोटोन के लिए टाइम जैसी कोई चीज नहीं होती है ना समझो ना जैसे जब फोटोन सन से निकल के अर्थ पे आता है

और तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंट था माइकलसन मॉलि का उसमें भी निकल के आया था कि लाइट की स्पीड हमेशा सी होती है हर एक फ्रेम में बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है तुम खुद लाइट की स्पीड लाइट के फ्रेम में देखना है ना तो इसको अपन करेंगे तगड़े तरीके ना और इसका आंसर कई जगह गलत दिया कुछ ने सी दे दिया कुछ ने तो दे दिया ठीक है तो अपन डिस्कस करते हैं क्या सही आंसर है ना तो इसलिए बोलते हैं ऐसी वर्मा की जो क्वेश्चन है ना दे मेक यू डाइव डीप इंटू दीक है ना चलो सबसे पहले तो समझो इस अपनी दो चीजों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है इसको डिस्कस करते हैं

आई होप सब कुछ क्लियर हो रहा होगा ना <coughs> तो चलो लगाते हैं तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन में क्या है <coughs> दो फोटोन है ये भी सी स्पीड से जा रहा है <coughs> दूसरा फोटोन भी सी स्पीड से जा रहा है तो लगा भाई वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बहुत से लोगों को इसका आंसर जीरो लग रहा होगा कुछ लोगों को सी लग रहा होगा <coughs> आंसर कुछ और ही आने वाला है चलाओ तो वेलोसिटी ऑफ ए इज सी यहां पे दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी है ना सी माइनस सी बाई वन माइनस

अच्छा बी वाला और ज्यादा इंटरेस्टिंग है बी वाला का तो, है। <coughs> तो बी वाले में देखो क्या है दो फोटो ने उन्होंने कहा है कि दोनों दोनों तो वेलोसिटी तो ऑफ बी तुम्हारी हो जाएगी डायरेक्शन के साथ लेंगे तो माइनस सी <coughs> अब लगाते हैं यही सेम फॉर्मूला लगाते हैं तो रिलेटिव है ना वी ए माइनस बी बी सी माइनस माइनस सी क्योंकि इज माइनस सी वन माइनस बी ए इंटू बी बी बाई सी स्क्वायर तो देखो ये तुम्हारा क्या आ रहा है माइनस माइनस प्लस हो गया सी प्लस सी आ गया स्क्वायर स्क्वायर है है ना ठीक हाँ, तो ये तुम्हारा क्या आ सी प्लस सी टू सी बाई टू ये वाला है ना यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी सी आएगी इसका आंसर सही दिया हुआ था कई जगह बी वाले का आंसर सही दिया हुआ था पर पहले वाले का आंसर बहुत सारी जगह गलत दिया हुआ है आई होप uh, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है ना हाँ तो यहां पे वाली चीज सही हो रही है यहाँ पे वाली चीज सही हो रही है कि फोटोन <coughs> की स्पीड हर फ्रेम में सेम रहती है पर दो फोटोन जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं यू कैन नॉट डिफाइन इट यू कैन नॉट डिफाइन ये क्वेश्चन और भी तगड़ा हो जाता है जब हम कुछ एंगल पे लेते हैं ना पर इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज में अपन को जाना नहीं है ठीक है बट एनीस दिस वॉज फॉर योर क्यूरोसिटी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है इसको बताना जरूरी था क्योंकि इसके गलत आंसर प्रोपोकेटेड है ताकि सभी लोग इसको सही कर सके